गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह सुबह का टाइम है, बरसात का मौसम है, बारिश लगी है, ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आता है मानसून में, लेकिन मज़ा आता है प्लेन में। पहाड़ों में ये बारिश डराती है। पहाड़ों में डरने का कारण बस यही है कि उधर स्लाइडिंग हो जाती है बहुत जल्दी, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी रहती है। और कुछ थोड़े से टिप्स बताऊंगा आपको कि मानसून में किस तरीके से आपने गाड़ी को ड्राइव करना है और क्या क्या चीज़ें आपने इसमें सेफ्टी के हिसाब से बरतनी है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी बरसात के मौसम में यही है कि आगे जो फ्रंट वाला शीशा है या साइड वाले शीशे हैं, इन पर फॉग सी जमा हो जाती है अंदर वाली साइड से, बारिश थोड़ी तेज हो चुकी है तो फॉग बन जाती है, फिर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, आगे देखना कम हो जाता है। साइड वाले शीशों पे अगर हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इधर से तो हमें कोई काम है नहीं इतना, लेकिन हमें फ्रंट वाला शीशा चाहिए पूरा का पूरा साफ, बाहर से भी और अंदर से भी, ताकि हमें दिखना चाहिए सब कुछ, है ना। अगर दिखेगा नहीं अच्छे तरीके से तो आप गाड़ी कैसे चला पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपका नीचे बेंट दिया है ना, इसको आपने खोल देना, ठीक है, इसको खोल देना आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो इसका हवा का, जैसे आप फेस पे हवा रखते हो, इधर पे आपके पाँव पे फेस पे हवा आएगी, आपने क्या करना है सीधा लास्ट पे कर देना है, ठीक है, एंड में। ये आपकी सारी की सारी हवा है जो वो सामने फ्रंट वाले शीशे पे आ जाएगी, ठीक है, फ्रंट वाले शीशे पे आ जाएगी। और आपने क्या करना है, एक नंबर पे रखना है इसको और एसी ऑन कर देना है, बस इतना सा काम करना है। आपकी जितनी भी आगे फ्रंट पे फॉग होगी वो कुछ ही सेकंडों में शुमंतर हो जाएगी, बंद हो जाएगी पूरा का पूरा, आपका शीशा है जो फ्रंट शीशा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, विजिबिलिटी बन जाएगी, आपको पूरा का पूरा साफ दिखने लगेगा। ये बस ये छोटा सा काम करना है आपने। बाकी जब आप हाईवे पे चलते हो तो हाईवे पे कहाँ पानी इकट्ठा होता है कहाँ नहीं, इस चीज़ का पता नहीं चलता बरसात के मौसम में, तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। जहाँ पानी इकट्ठा हो, चाहे वो रोड साफ हो या गड्ढा हो, उधर अगर साफ भी होगा रोड तो आपने क्या करना है, प्यार से गाड़ी निकालनी है। अगर आप एकदम स्पीड से गाड़ी निकालोगे तो आपकी गाड़ी है जो अनबैलेंस हो सकती है, ठीक है, उससे एक्सीडेंट के चांसेस बन जाते हैं, खतरा हो जाता है। तो आपने बहुत ही ध्यान से चलना है, जैसे कि अभी देखो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है ना, अंदर से तो ठीक है, बाहर से बारिश थोड़ी तेज़ हो चुकी है तो उसकी वजह से विजिबिलिटी है जो वो दिख नहीं रहा मेरे को आगे कुछ भी। और कोशिश करें कि लाइट्स का इस्तेमाल कर लें, और ये जो आपकी हज़ार लाइट है जिससे आप चारों इंडिकेटर जगाते हो वो ऑन करके रखें, ताकि जो बंदा पीछे से आ रहा है आगे से आ रहा है उसको पता चले कि कोई आगे गाड़ी चल रही है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान देना है और आराम आराम से गाड़ी चलानी है, ठीक है, 50-60 की स्पीड पर गाड़ी चलानी है आपने हाईवे पर भी, इससे ज़्यादा स्पीड में मत मंगाए, दिक्कत हो सकती है आपको, हो सकती है किसी और को, हो सकती है आपकी वजह से, तो ये एहतियात बरते बस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, धन्यवाद।